हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे, उल्टो पलटोगे, तो आपको पता चलेगा कि सीएसबी के एग्जाम में ना एक क्वेश्चन सोशल मीडिया से तो डेफिनेटली रहता है। सोशल मीडिया के जो पॉपुलर फेसेस हैं उनको अच्छे से आपको जो है स्टडी करना है, सीईओ के बारे में जानना है और कौन सी कंपनी कौन सा काम करती है, उनका जो है वर्क क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीईओ की बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेटरी जो है कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करके आपको सारे जो 3D डायमेंशन में चीजें हैं वो दिखाई जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देर के जो इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े, कोई एड वगैरह कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, सीधे सीधे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस छोटी सी जो कड़वी दवाई है वो पी लो। 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये पैसे देकर नोट्स क्यों खरीदे, सिंस मैंने आर्मी स्कूल 3 times क्वालिफाई किया तो इसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने नोट्स तैयार किया है। आखिरी समय में आप जो है इसे पढ़कर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, एटलीस्ट क्वालिफाइंग नंबर ला सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, 100 rupees में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक्वायर कर सकते हो और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे आपको जो है बैठना है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। जिनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से इसकी तैयारी करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो नोट्स परचेज कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे और कोई भी जो है डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्लास में। पूछा गया है YouTube के CEO कौन है, बहुत अच्छा सवाल है। सो सबसे पहले YouTube के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। YouTube है क्या? YouTube एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप वीडियोज देख सकते हो। अब तो वीडियो के अलावा जो है शॉर्ट वीडियो, यानी कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 1 minute से कम के वीडियो भी आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात YouTube के बारे में कि आप यहाँ से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर हो तो लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अगर आप एक व्यूअर हो तो आप उस लाइव स्ट्रीम का पार्ट बन सकते हो। जैसे अभी चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो आपको याद, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप नोट कर लेना, वो बोलते हैं ना कि बोलते बोलते चीज़ें याद आ जाती हैं। तो चंद्रयान 3 में जब इसरो के YouTube प्लेटफॉर्म से ये स्ट्रीम किया जा रहा था तो 8.2 million, ये जो मिलियन की बात हो रही है, 8.2 million के करीब करीब यहाँ पे लोगों ने जो है इसे देखा और सबसे हाईएस्ट जो लाइव लोग यहाँ पे जुड़े थे YouTube के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था। तो इसे जरूर नोट कर लेना आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी बात करी इसरो की तो आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कर लो, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। इसरो के चेयरपर्सन अभी कौन है ये आपको बताना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसरो का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो कहाँ है नीचे कमेंट करके बताना। इसरो की स्थापना जो है वो कब की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसकी क्या है, वो आप नीचे कमेंट करके बताओगे। 3 questions मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, प्लीज़ डू कमेंट। हो सकता है कि एग्जाम में आए और आई एक बार आप अगर लिख लोगे या फिर गूगल से देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में, मैंने आपको जो मोटा मोटी जानकारियाँ हैं वो दे दी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में मिलेगा। याद रखिएगा, जब आपको कोई आइडिया ना मिले ना यूएसए की कंपनी का तो कैलिफोर्निया आप मार देना, सिलिकॉन वैली के नाम से ये फेमस है, याद रखना। और इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीईओ की बात करते हैं। नील मोहन जो कि करंट यूट्यूब के सीईओ हैं, इंडियन ओरिजिन के ये हैं, फिलहाल यूएसए में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CEO गूगल पूछा गया है आपसे, बहुत अच्छी बात है। गूगल आप जो है डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हो और गूगल मैप, गूगल से आप जो है अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है, दैट्स गुड। लेकिन गूगल की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी 1998 में, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि गूगल की तरह कौन सी और भी कंपनीज है या फिर कौन सी सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्च इंजन, यानी कि जहाँ से आप जो है किसी भी कीवर्ड को या फिर कोई क्वेश्चन को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना हो किसी के बारे में, वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऐसी और कौन कौन सी कंपनी है, तो याद रखिए एक याहू कंपनी है जो कि इसी तरह से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक MSN है, इसके बारे में भी आप जो है गूगल पे ढूंढ सकते हो। एक्चुअली आयरनी देखो, गूगल पे ही आप जो है अलग सर्च इंजन के बारे में ढूंढोगे, दैट्स इट। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वो मैं आपको बता दूँ, गूगल का जो सही आंसर है वो है सुंदर पिचई, तमिलनाडु ओरिजिन के ये हैं, तमिलनाडु से हैं और फिलहाल अभी अमेरिका में हैं। ये तो बात हो गई गूगल के बारे में। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी पेरेंटिंग कंपनी कौन सी है। एक्चुअली पेरेंटिंग कंपनी अगर मैं बोलूँ ये ठीक नहीं होता है, मदर कंपनी अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मदर कंपनी गूगल की है, उसका नाम है अल्फाबेट इंक,
क्लियर हो गई बातें। अब अल्फाबेट इंक जो है और भी कंपनी को ऑन करती है, जैसे यूट्यूब भी जो है अल्फाबेट इंक के ही अंतर्गत आता है। जैसे एज अ क्रिएटर मुझे पता है जब मुझे यूट्यूब से पेमेंट आता है, ईमेल जो है मुझे कहाँ से मिलेगा, वहां से गूगल पेमेंट से ईमेल मिलता है। खैर इतनी बातें जानने की जरूरत नहीं होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजोन के सीईओ के बारे में पूछा गया। सबसे पहले अमेजोन को हम लोग थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। अमेजोन क्या है? अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है, यानी कि ये आपको जो है यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप जो है अलग अलग तरह के जो सामान है, थिंग्स हैं आपके डेली लाइफ में, वो यूज कर सकते हो। जूते चप्पल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यहाँ से आप बाइक भी खरीद सकते हो इवन। तो अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है। अमेजोन की कुछ और सब्सिडरीज कंपनियाँ, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जैसे कि अमेजोन प्राइम, जहाँ से आप जो है OTT प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ से आप वेब सीरीज मूवी वगैरह देख सकते हो, मूवी रेंट पे भी देख सकते हो, अमेजोन की ये सर्विस है। अमेजोन का एक मिनी टीवी भी है जहाँ पे आप फ्री में कुछ चीज़ों को देख सकते हो, कुछ शो को 2-3 साल, जैसे सपोज कर लो कि कहीं किसी यूट्यूब के क्रिएटर की जो वीडियो आपको यहाँ पे अमेजोन मिनी टीवी पे देखने को मिलती है। फिलहाल सबसे जो क्वेश्चन ऑफ द आर है वो पूछा गया है आपसे, सीईओ कौन है अमेजोन के, तो एंडी जोस इसके राइट आंसर है। जोस बेजोप इसके जो है फाउंडर है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जोस बेजोप इनके जब इनका जो अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ था, तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, जिसमें इनको बहुत बिलियन ऑफ जो है डॉलर अपनी वाइफ को देना पड़ा था। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है। देखिए सबसे पहले मैं ना एक इंटरकनेक्ट चीजें कर देता हूं। अभी इंडिया में G20 हुआ है, सही बात है। G20 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में, जो 20 कंट्रीज आई हुई थी उसके बारे में बातचीत चली यहाँ पे। और अब बोलोगे कि भैया नीति आयोग की जगह पे आप G20 क्यों बता रहे हो, तो देखिए दोनों का कुछ ना कुछ क्या है, कनेक्शन है। यहाँ के जो सीईओ है नीति आयोग के, उनका नाम है, अभी यहां से आप देखोगे, ये देखो अभी फिलहाल PVR सुब्रमण्यम है, लेकिन इसके जो एक्स सीईओ थे जिनका नाम अमिताभ कांत था, जो कि G20 के शेरपा बने हुए हैं। शेरपा उस इंसान को कहा जाता है जो अलग अलग कंट्रीज से जाकर मिल बैठ के बात करेगा, कंसेंसस बनाएगा, कंसेंट ली जाएगी किसी डिक्लेरेशन को लेकर। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि अब G20 नाम का कोई देश रह नहीं गया, एक्चुअली कोई फॉर्म नहीं रह गया है, ये G21 हो चुका है। इसमें एक जो नए कंट्री की तो एंट्री नहीं हुई है, एक नए यूनियन की एंट्री हुई, दैट्स कॉल अफ्रीकन जो यूनियन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है, बहुत बड़ा एज है इंडिया के लिए। इनकी शुरुआत हो चुकी है, G21 की बात मैंने कर दी। एक और बात अगर पूछ लिया जाए G21 में कुल कितने कंट्रीज हैं, तो याद रखिएगा आपको आंसर जो है वो 19 ही बताना है। दो यूनियन हैं इसमें, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा कौन है, अफ्रीकन यूनियन। क्लियर हो गई बातें। और इसके बारे में देखो, अगर आपने डिटेल्स में नोट्स मेरा परचेस किया होगा, उसमें मैंने बताया ट्रायोका क्या होता है, G20 में ट्रायोका क्या काम करती है। तो देखिए ट्रायोका जो है वो अलग अलग तीन कंट्रीज के बारे में काम, तीन जो है अलग अलग बारे में बात करती है, जिसमें कि करंट होस्ट, आने वाला होस्ट और पिछले होस्ट के बारे में बात करता है। चलिए अब पूछा गया सीईओ, मैंने आपको बता दिया BVR सुब्रमण्यम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो करेंट सीईओ हैं वो कौन हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है आपको मैं बताऊं, आर्मी स्कूल 2012 के क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा था, ये क्वेश्चन ना 2012 में पूछा गया था, जिनका नाम है सत्य नडेला। अब आप सोच के देखो, जो इंसान 10-12 साल से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस दे रहा है सत्य नडेला जी, और थंबनेल पे जो आपने वो बिना बाल वाले इंसान को देखा था, चश्मा पहने हुए, ग्लासेस पहने हुए, वही है सत्य नडेला, इंडियन ओरिजिन के हैं, और आप भारतीय होने का जो है प्राउड फील कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स जो हैं अलग अलग कंपनी में सीईओ का काम कर रहे हैं। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है, जैसे मैं भी आपको ये प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने किसकी मदद से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए ये मैं गूगल स्लाइड की मदद से पढ़ा रहा हूँ, और आप इसका नाम जो है PPT के नाम से इसे जानते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वहां से जो है चीजें आती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर बनाती है, ये कंपनी क्या है, सॉफ्टवेयर बनाती है, और बिल गेट्स, आपने इनका भी नाम सुन रखा होगा, ये इसके फाउंडर मेंबर हैं एक्चुअली, जो जब ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय के वो फाउंडर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, इसके सीईओ कौन है अभी, तो इसका सही जवाब देखिए टिम कुक है। एप्पल क्या करती है, एप्पल देखिए आईपैड बनाती है, आईफोन बनाती है, आई वॉचेस बनाती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बट इनकी क्वालिटी जो होती है वो प्रीमियम किस्म की होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने आईफोन परचेस किया है और सपोज कर लो कि आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी जो डेटा है वो हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी, कोई और इंसान इसे खोल नहीं सकता है, आईफोन को ब्रेक नहीं कर सकता है। बट पेगासस वायरसेस जो है इसने आईफोन पे अटैक किया था, और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसे परचेस किया था, इसराइल की कंपनी है पेगासस, इसने जो है इस कंपनी को बहुत सारे पैसे दिए थे, और
इमरान खान जो कि पाकिस्तान के एक्स पीएम रह चुके हैं, उनके ऊपर भी जो है स्पाइंग की गई थी। तो वो बोलते हैं ना, नेवर से नेवर वाली बातें हैं। एप्पल भी जो है सुरक्षित नहीं है, कुछ ना कुछ जो है मालवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, चाहे वो कोई अनवांटेड लिंक हो। तो अनवांटेड लिंक को खोलने से जो है बचें। ओटीपी के बारे में आपको पता ही है, इतनी तो लिटरेसी हमारे देश में आ ही चुकी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीईओ जो है मल्टीनेशनल कंप्यूटर कंपनी जिसका नाम है एडोब, देखिए मैं ये जो पीडीएफ आप ओपन करोगे या फिर मेरे नोट्स को ओपन करोगे, आप एडोब रीडर पे ओपन करते हो। तो एडोब रीडर देखिए करती क्या है, जैसे सपोज कर लो कोई पीडीएफ है, उसमें आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जो है प्रीमियम चार्ज देना होता है। अभी आप जो है पीडीएफ ओपन करोगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आपको इसके प्रीमियम सर्विसेज की जो है मदद लेनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। एक और कंपनी है जिसका नाम है WPS, याद रखिएगा, ये जो है डॉक फाइल को भी ओपन कर लेती है, पीडीएफ को भी ओपन कर लेती है, अलग तरह के इमेजेस को भी ओपन कर लेती है, इस पे ध्यान रखिएगा। फिलहाल एडोब के जो सीईओ हैं उनका नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब देखिए शांतनु नारायण इसका सही जवाब है, और ये भी इंडियन ओरिजिन की हैं। 1982 में जो है एडोब की जो है शुरुआत हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज प्रेजेंट सीईओ ऑफ ओला कैब, फिर से आपको जो है भारतीय होने का जो है गर्व करने की जरूरत है। ओला कंपनी जो है इसकी शुरुआत भावेश अग्रवाल के द्वारा की गई थी, कहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और ओला जो है अभी 30+ कंट्री में अपनी सर्विस दे रही है। ओला उबर जो है इंडियन ओरिजिन कंपनी है, जोमैटो, ये बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग देशों में जो है, जैसे अमेरिकन कंपनी है ट्विटर, फेसबुक, तो ये गूगल, ये सब जो है इंडिया में भी सर्विस देती है, बहुत सारे कंट्रीज में जो है सर्विस देती है, और बहुत अच्छा पैसा अर्न करती है, और जीडीपी में जो है इसका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोगों की भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ मेटा, मेटा की जो है सीईओ कौन है, और आप लोगों ने फेसबुक में वो बेवकूफ़ी जरूर की होगी, भेड़ चाल जो है आप लोगों ने किया होगा कि मैं मेटा को ये कहना चाहता हूँ, डेटा अपना नहीं देना चाहता हूँ, ये एक टाइम पे जो है बहुत चला था भेड़ चाल में, लोगों ने कॉपी पेस्ट मारकर जो है पूरा फेसबुक को धुआं धुआं कर दिया था। तो फिलहाल सीईओ की बात करते हैं, करेंटली जो सीईओ हैं आपको पता ही होना चाहिए, इसका जो सही जवाब है वो है मार्क जकरबर्ग, और ये फाउंडर मेंबर भी हैं, फाउंडर भी हैं ये किसके, फेसबुक की। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक का नया नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेटा, मेटा जो है इसकी जो है मदर कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीईओ ट्विटर के बारे में पूछा जा रहा है, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है एक्स रहा चुका है। एक्चुअली अब ट्विटर नाम का कोई जो है प्लेटफॉर्म है नहीं, अब इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया है। ये जो एलन मस्क हैं कभी भी कुछ भी जो है कर सकते हैं, ये टेस्ला कंपनी इन्हीं की है याद रखना, स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है, और ये इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, बट ट्विटर के मामले में ना इन्होंने बहुत गंद मचा रखा है, बहुत सारी गलतियां इन्होंने करी है, और एक बात बोली जाती है ना कि हेल्थ क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने ट्विटर को जो है बिल्कुल ही खिलौने की तरह इसको इस्तेमाल किया है। कभी बहुत सारे इन्होंने जो है पॉलिसी चेंज करी, बहुत सारे जो इनके स्टाफ्स थे उनको ले ऑफ कर दिया, उनको उनकी जॉब चली गई, फायर कर दिया गया इनको। फिलहाल ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर के जो सीईओ हैं फिलहाल जॉक डर्सी, इनको भी हटा दिया गया है, और अभी शायद एक महिला है, आपको यहाँ से नाम दिख रहा होगा, एलन मस्क थे सीईओ लेकिन ये हट चुके हैं, और फिलहाल इनको यहाँ पे सीईओ बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेल कंपनी, आपने जो है अगर लैपटॉप वगैरह खरीदा होगा तो देखना, एचपी, डेल, लेनेवो, ये दो तीन कंपनियां होती है जो कि डोमिनेट करती है मार्केट को, और ये सारी कंपनियां, आई रिपीट, ये सारी कंपनियां जो है यूएसए की है। फिलहाल डेल के सीईओ कौन है ये आपसे पूछा गया है। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी टेक्सास में, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो टेक्सास में है, टेक्सास कहाँ पे है, यूएसए में है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब है माइकल सॉ डेल, ये जो फाउंडर मेंबर भी हैं और अभी करंट के सीईओ भी हैं। अगला सवाल देखिए पूछा गया है, जूम ऐप, जब लॉकडाउन हुआ था सारे लोगों ने जूम ऐप पे जो है बहुत क्लासेस अटेंड की होगी, बहुत सारा इंटरव्यू और मीटिंग भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जूम ऐप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूम ऐप का आंसर मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑप्शन बी, एरिक यॉन जो है इसके सीईओ हैं, इसकी शुरुआत जो है 2011 में की गई, नई कंपनी है, और कैलिफोर्निया यूएसए जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चे बच्चे को पता है अंबानी अडानी बहुत अमीर हैं, और मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर, ये इंडियन और या फिर एशिया के सबसे अमीर इंसान है। रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप एक शेयर खरीदने जाओगे तो इसकी प्राइस लगभग 3000 के आसपास है, 2500 आपको जो है एक शेयर की प्राइस आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एडिडास। एडिडास के आपने जो है बहुत सारे ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट या फिर शूज़ वगैरह परचेस किया होगा, स्लीपर्स भी परचेस किया होगा। तो एडिडास कंपनी के CEO कौन है करेंटली? तो बियोन गुल्डन इनका नाम है और 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जानकर आपको हैरानी होगी, ये अमेरिकन कंपनी नहीं है बल्कि एक जर्मन कंपनी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एमवे कंपनी के जो है CEO कौन है? तो एमवे कंपनी के जो CEO हैं, आपको मैं बता दूं, यहां से आपको दिख जाएगा, ये देखो ऑप्शन नंबर डी विक्रम पावा, ये सही जवाब है। और एमवे जो है ये भी यूएसए की कंपनी है। अगला सवाल और ये आखिरी सवाल होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इसके प्रोडक्ट जो है हर घरों में पाया जाता है। आप जो है इस कंपनी के बिना जो है आपका काम नहीं चल सकता, लगभग लगभग इंडिया में आप इसे नामुमकिन ही मानो। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO कौन है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहित सूरी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी वो देख लेते हैं। 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी और कैलिफोर्निया यूएसए का हेडक्वार्टर है। ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको इसकी पार्ट टू चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा पार्ट टू। बाय द वे फिर से दोहरा दूं, 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।